हाँ चलो 33 साल की अब तू हो गया उस उम्र की देख, ठीक है चलो चले चलो निकल ले भाई। अब क्या लेगा, क्या क्या लेगा और तो रह ले तू यार। भाई लेट हो रहे हैं यार, 2:30 बज गए यार, तेरी कहना है मैं चला जाऊं भैया। अरे चल मेरे भाई, फिर वो लोग कहेंगे इसका इनका अच्छी सेटिंग हो रही है आपस में, एक दूसरे घर पड़े हैं। क्या उच्ची तो क्या हो गया, तेरी तो करी है तो गाल पे करी करो ना, कहीं भी कर दो का? लोग गलत समझते हैं मेरे कैरेक्टर पे, सब करते हैं, तुम्हारे पे तो पहले सही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं रूप धनखड़। आज की वीडियो में आपको कुछ अपडेट देने के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारे DM इंस्टा से लेके यूट्यूब से लेके हर जगह मुझे कमेंट मिलते हैं, तो मेरा फर्ज है आपको अपडेट देना। अपडेट है राजवीर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आप ये नहीं देख रहे हो कि अगला आदमी बिजी है नहीं है। अभी मेरे फादर साहब की तबीयत ख़राब है और यहाँ से सीधा मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेकिन अपडेट इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज वो मेरा भाई है, दोस्त है, और मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड लेता था, हूँ और रहूँगा। जैसे कि पीछे 3 वीक पहले एक वीडियो आई थी उसके माँ की और माता जी की और पिताजी की, तो उन्होंने आपको कट टू कट अपना पक्ष दिखाया था। अभी क्या हो रहा है ना, एक तो कोविड चल रहा है, दूसरी चीज़ एक प्रोसेस होता है हियरिंग का, जब भी हियरिंग लग रही है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो जो नंबर उसका आता है वो वहाँ तक हियरिंग पहुँच नहीं पाती है, उसके बाद डेट आगे बढ़ जाती है। जैसे ही डेट लगेगी जहाँ तक उम्मीद है, जो पक्ष पिताजी ने बताया है उस हिसाब से जहां तक लग रहा है देखने में कि उसको बेल मिल जाएगी, और बेल के बाद उसका पक्ष वो खुद रखेगा। अभी उनकी दूसरी वीडियो भी आने वाली है। यहाँ पे दोस्त फ्रेंडशिप पे एलिगेशन लगा देते हैं, गाने के ऊपर कमेंट कर देते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर देते हैं, तो मैं आपको ना इंस्टाग्राम पे एक रील के रूप में एक वीडियो डालूंगा जिसमें मेरा उसका और फैमिली रिलेशन है एक वीडियो में, तो वो कितना प्यारा आदमी है वो देखना आप। और दूसरी बात, जो उसके फादर साहब ने कही थी, जो अपना पॉइंट रखा था कि अगर वो पैसे का लालची होता तो वो ये कर लेता, तो वो वीडियो बहुत सेंसिटिव है, बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, मेरे चैनल पे भी है, राजवीर सिसोदिया के चैनल पे भी है, और बाकी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने भी बनाई है। अभी बात आती है एक और वीडियो की, वो वीडियो है तरुण गिल की। तरुण गिल की वीडियो मैंने देखी जिसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है दोनों पक्ष, जिसने कंप्लेंट की है उसका पक्ष भी और जिसने राजवीर का पक्ष भी। तो हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन आपको माता और पिता की वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ केस के बारे में अपडेट मिल गई होगी। तो जो भी राजवीर से प्यार करते हैं, सबसे पहले तो उन सभी का शुक्रिया, बिकॉज ऐसा प्यार मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। जो थोड़े बहुत लोग हेट कर रहे हैं उनको भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो प्यार कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा प्यार किसी के लिए कभी नहीं देखा गया। एक बार एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड का ऐसे ही एलिगेशन में फंस गया था, जिसके बाद पब्लिक ने उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। राजवीर सिसोदिया जैसा दिल से है वैसा ही फेस से और अपने शब्दों से है, इसीलिए आप लोग उसको इतना प्यार दे रहे हो, तो इसके लिए मैं हैट्स ऑफ हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक्साइटेड बहुत हो आप लोग कि कब आएगा, कब बताएगा, कब करेगा, और ये होना भी चाहिए। ऐसा प्यार देखते ही बनता है, बिकॉज जेन्युइन पर्सन, वो गाली वाला जो पक्ष है ना, जो जेन्युइन पर्सन होते हैं निकल जाती है फ्लो में, क्योंकि पेट में कुछ रुकता नहीं है। और राजवीर सिसोदिया भी ऐसा ही आदमी है, तो वीडियो में आपको रील पे दिखाऊंगा। बाकी आगे की अपडेट ये है कि बहुत जल्द, जहां तक मुझे पता है कि हियरिंग हो रही है, जिस दिन उसका नंबर हियरिंग में आएगा 100% मेरा मानना यह है कि उसको बेल मिल जाएगी, उसके बाद वो अपना पक्ष रखेगा। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ आपकी तरह, और जो लोग हेट करते हैं, जब तक केस सोल्व नहीं होता है, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, जज बता नहीं देता है उसको, आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं हो जाता है, आगे प्रतिक्रिया देने का कोई फायदा नहीं है। आप उसे नेगेटिव कुछ बोलना चाहे, मुझे गाली देना चाहे, आप दे सकते हैं, क्योंकि सभी को राइट्स है बोलने का, लेकिन हमारा किसी भी बात को लेके बोलना या जिसने ब्लेम लगाया उसका नाम लेना, वो कानून के खिलाफ है। बिकॉज जो भी इस तरह के केस और एलिगेशन होते हैं रेप के, उसमें जो शिकायत करता है उसका नाम रिवील नहीं किया जाता है, नहीं तो सबको पता है, जो राजवीर सिसोदिया की फैमिली है उनको भी पता है, जिसने एलिगेशन लगाया उसके बारे में भी पता है, और जिनके साथ मिलके लगाया है उनके बारे में पता है, लेकिन ये चीज़ें बाहर डिस्कस करना अच्छा नहीं होता। और हो सकता है कुछ मुझे भी पता हो, लेकिन मैं वो चीज़ें बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि उससे केस का इम्पैक्ट
खराब होता है, केस पे इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप जितना प्यार कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत जल्दी वो आएगा। और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं भाई, मुझे डीएम में परेशान मत करो, वो मेरा दोस्त था, है और रहेगा। और अगर मैं डीएम का जवाब नहीं देता हूं तो फिर आप एरोगेंट और आप गुस्सैल समझते हो, आप ये समझते हो कि घमंडी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दोस्त था, है और रहेगा। और बहुत जल्द जैसी अपडेट आएगी वो मेरे चैनल पे भी आपको दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस यही कहना चाहूंगा कि मैं फैमिली में बिजी हूं, और आप अपडेट के लिए उसका चैनल देखते रहे। मुझे भी उम्मीद है कि सेकंड वीडियो जल्दी आएगी उसके मम्मी पापा की। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और पॉजिटिव सोचें अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी, क्योंकि तरक्की का रास्ता सिर्फ पॉजिटिविटी से है। थैंक यू सो मच।